नमस्कार, मैं हूं कविता। हेल्दी क्रेविंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मुंबई का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड पाव भाजी। वैसे तो पाव भाजी आजकल सभी जगह की फेमस स्ट्रीट फूड है। पाव भाजी बच्चों को, बड़ों को, हर जनरेशन के लोगों को बहुत ही पसंद होती है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी भी लगती है। आपको भाजी आज मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाजी बनाने के लिए यूज़ होने वाली सभी चीज़ों को देख लेते हैं। सब्जियां हमने रफली चॉप कर ली हैं। गाजर, दोनों तरह की गोभी लिए, फूल गोभी और पत्ता गोभी, आलू, टमाटर का पेस्ट, का बारीक कटा हुआ प्याज, मटर, शिमला मिर्ची, हरा धनिया, लहसुन, पाव भाजी मसाला, नमक, सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और बटर। अब हम सबसे पहले भाजी को बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए मैंने ये कुकर ले लिया है। कुकर में हम डालेंगे फूलगोभी, फूलगोभी का एक छोटा वाला फूल लिया है, दो आलू मीडियम साइज़ के, आधा पत्ता गोभी लिया है और तीन से चार लेंगे इसमें हम गाजर। सब्जियों को हमने रफली चॉप किया है क्योंकि सब्जी हमें बॉईल करनी है। अब इसमें डालेंगे हम एक कप पानी। सब्जियों को अच्छे से धो भी लिया है। अब कुकर का ढक्कन लगाकर इसमें हम दो पिसिल लेंगे और इस फ्लेम को रखेंगे हाई। दो पिसिल आने के बाद में इसको हम गैस को बंद कर देंगे। सब्जियां बॉईल हो रही हैं, इतनी देर में हम मटर और शिमला मिर्ची को भी बॉईल कर लेंगे। उसके लिए पतीले में लिया है मैंने एक कप पानी और पानी में बॉईल आने के बाद में उसमें हम डाल देंगे एक कप मटर और एक बड़ा शिमला मिर्ची बारीक बारीक काट के। इन दोनों को हमने बॉईल होने रख दिया है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद चेक करेंगे कि हमारी मटर गली हैं कि नहीं। मटर अच्छे से गल गई हैं। अब यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इन्हें स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के लिए किसी बर्तन के ऊपर स्ट्रेनर रख के हम इन सभी को डाल देंगे। इन दोनों को उठा के साइड में रख देंगे और भाजी के लिए स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए लेंगे मिक्सर का जार, उसमें डालेंगे 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर। अब डालेंगे इसमें 2 से 3 चम्मच ही पानी। अब इन सभी चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद देखिए इस तरीके का पेस्ट तैयार हो जाएगा। हमें इसी तरीके का पेस्ट तैयार करना है। अब हम भाजी को चेक करेंगे। कुकर की बिसिल निकल चुकी है, भाजी हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब इन्हें हम पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश करेंगे जिससे हमारी सारी भाजी एक जैसी हो जाएगी। सभी सब्जियों को इसमें मैश करना होता है, इसीलिए बॉईल करते समय हमने इसमें मटर और शिमला मिर्ची नहीं डाली थी, उनको अलग से बॉईल किया था जिससे कि वो अलग से अच्छे से दिखेंगी और क्रंची क्रंची मुंह में आएंगी। सभी सब्जियां हमारी देखिए अच्छे से मैश हो गई है। अब यहाँ पर भाजी को फ्राई करने के लिए लेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम ये 1 टेबल स्पून बटर और साथ ही डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल जिससे बटर जलेगा नहीं। दोनों को अच्छे से गर्म होने देंगे। फ्लेम को रखेंगे यहाँ पे लो टू मीडियम। अब इसमें डालेंगे प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर ही सोटे करना है।
देंगे। देखिए आपको लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे, मार्केट में भी बिल्कुल ऐसे ही मिलते हैं पाव। दो मिनट और सेका है हमने इसे, अब पलट कर दोबारा से उसके ऊपर रख दिया है पाव के ऊपर। अब ये पाव हमारे सिक्के तैयार हो गए हैं, इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। भाजी और पाव दोनों रेडी हो गए हैं, अब इन्हें सर्व करेंगे। पहले हम भाजी को सर्व करेंगे। देखिए भाजी का कलर और टेक्सचर दोनों ही प्रॉपर आए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बटर। बटर के बिना भाजी अधूरी है। अब हम पाव को सर्व करेंगे। गर्मा गर्म पाव और भाजी दोनों तैयार हैं। देखिए आ गया ना मुँह में पानी। अब इन्हें आप बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। आप सभी को मेरी आज की पाव भाजी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।